जिन्होंने हल चलाया है वो इस बात को समझेंगे मेरी को। हल में जो बैल चलते हैं यद्यपि वे दोनों नर ही होते हैं नर, लेकिन फिर भी दोनों को बर्द नहीं कहते, एक को बर्द और एक को बधिया, जबकि दोनों नर ही हैं, मेल हैं, फीमेल एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक को बर्द और एक को एक बाहरी का होता है और एक भीतरी का। यदि बाहरी वाला भीतर जोड़ दिया जाए और भीतर वाला, तो मामला सही नहीं होगा। भीतरी वाला भीतर ही होना चाहिए और बाहरी वाला बाहर होना चाहिए, तब खेत की जुताई होती है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझना, जो बाहरी वाला है ना वो तो बर्द है और जो भीतरी वाली है ना वो बधिया है। घर के जो बाहर का संभालता है ना वो पुरुष है, हैं, और घर का अंदर जो संभालती है वो नारी है। ये दोनों ही गृहस्थ की गाड़ी को खींचते हैं, या तो ऐसे समझ लो, या दूसरा तरीका एक और है सरलता से समझने का, मैया भी समझ लेंगे। ये साइकिल होती है ना साइकिल, ये भी एक गाड़ी है, दो पहिए होते हैं, एक आगे वाला और बोलो हाँ एक पीछे वाला। इस साइकिल में जो मोड़ने का काम करता है वो आगे वाला, लेकिन ज्यादा वजन किस पे रहता है? पीछे वाले पे। सीट का वजन भी, कैरियर का वजन भी, और जो स्टैंड होता है वो पीछे ही लटका रहता है, स्टैंड का वजन भी, वजन सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा ढका हुआ रहता है पीछे वाला, ढका हुआ। बात समझ रहे है मैया? अब साइकिल दिमाग में लाओ, साइकिल होगा घर पे तो अपने अपने, साइकिल दिमाग में लाओ। पीछे वाला पहिया सबसे ज्यादा ढका रहता है, वजन उसी पे रहता है और वही धक्का देता है, चलो आगे चलो आगे। पीछे वाला पहिया कौन है? बोलो बोलो ए भैया कौन है? अरे तुम्हें तो पीछे वाली पहिया हो, और जे बैठे जे आगे वाली पहिया है। कोई वजन नहीं है जिन पे, न जी रोटी बनावे, न चौका लगावे, न पोता फेरे, न गैस चूल्हो जलावे, न किचन में जावे, बस आगे वाले बने बैठे, और वजन पूरा पीछे वाले नबे। जे तो केवल फोन करते हैं घर पे, हेलो चिंटू की मम्मी, वो हमको कहे पांच छह दोस्त मिल गए घर पे आ रहे हैं, बस कह दे ऑर्डर है। अब न कजू करनो न कजू धनो, अब वो बिचाई लगी है सब्जी दाल रोटी है, और छोरा देखे भाई आए गए तो फिर खीर पूरी कचौड़ी पुआ, सारा वजन इन पे कोई वजन नहीं है। लेकिन कभी कभी पीछे वाला पहिया इतना अच्छा होता है कि आगे वाले को संट कर देता है। एक आदमी ने फोन करो घर पे, हेलो, बोले हाँ, अरे बोले वो मैं फिरोजाबाद गया था तो पांच छह दोस्त मिल गए और जरा खाना बनाने ना, मैं आ रहा हूं। तो उधर से आवाज आई, कृपया इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये जो पहिए हैं ना दोनों, इन पहियों से मुझे एक बात कहनी है, गाड़ी तब तक ठीक चलेगी पहिए न कर्रे हो न ढीले हो, मीडियम हो, है ना। दूसरे पहिए बिल्कुल गोल हो, टेढ़े मेढ़े, यानी पहिए में ऐंठ नहीं हो, ऐंठ है पहिए में ऐंठ भाई, और साइकिल में खिचर खिचर चालू भाई, पहिए में ऐंठ भाई और साइकिल को खिचर खिचर चालू। ऐसे ही चाहे आगे वाले पहिए में ऐंठ है जाए, चाहे पीछे वाले में है जाए, काऊ में है जाए, सोई खिचर खिचर। भाषा समझ रहे हो? केवल साइकिल की बात ना कर रहा हूं मैं, आप समझ रही हो? हाँ समझदार हो, खैर मित्र है तो काऊ पहिए में ऐंठ है जाए। अच्छा ऐंठ है जाए तो फिर क्या करते हो तुम लोग? फिर जाते हो मिस्त्री के पास, है? अच्छा मिस्त्री क्या करता है? उसके पास एक यंत्र होता है गोल गोल,
बातें फिर वह ताने पकड़ के खेचत। अच्छा काऊ ताने कर्री करतो और काऊ ताने ढीली करतो, ऐसे ही ये गृहस्थ के जो पहिए जब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जब ऐंठ भर जाती है, तब फिर ये भी मिस्त्री के पास जाते हैं, सदगुरुओं के पास, बुद्ध पुरुषों के पास, संतों के पास। वो मिस्त्री तान खेचता है और सदगुरु कान खेचता है, है? किसी को ढीला, किसी को टाइट। हाँ थोड़ी थोड़ी बहुत ऐंठ होगी तो तान खिंचेगी और कान खिंचेगा, लेकिन थोड़ी बहुत ऐंठ होगी तो कान और तान से काम चल जाएगा, लेकिन पहियो ज्यादा टेढ़ो है जाए तो फिर हथौड़ा चलता। हथौड़ा वो जो मिस्त्री होता है वो हथौड़ा नहीं चलाता, हथौड़ा के लिए अलग राख तो आदमी ना पुखतास हो, हथौड़ा के लिए अलग। ऐसे ही सदगुरु संत महात्मा हथौड़ा नहीं चलाते, वो केवल कान और तान खींचते हैं। हथौड़ा तो फिर काल का चलता है साहब, फिर ऐसा सीधा कर देता है, फिर बिल्कुल ऐंठ ना रहे तो फिर तो चार पाई पे राम 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 राम। बड़े बड़े नकी ऐंठ निकल गई साहब। काल घड़ी बलवान दीवाने बने, काल घड़ी बलवान दीवाने बने, दीवाने बने मूरख बंदे, दीवाने बंदे मूरख बंदे, दो दिन का मेहमान दीवाने बने, दो दिन का उसके चोट से कोई नहीं बच पाया। ये सकटा सुर की जो कथा है वो हमें निर्देश देती है, संदेश देती है, उपदेश देती है। भैयाओ